खबर गोंडा से, जहां सिंचाई विभाग के अफसरों की बड़ी लापरवाही सामने आई। इस लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता कि सरयू नहर खंड 4 की नहर से निकली माइनर की मरम्मत कराए बिना ही देर रात पानी छोड़ दिया गया। पानी रातों रात खेतों में फैल गया और किसानों की सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूब गई। फसल डूबने से किसानों ने मायूसी छा गई और अफसरों की इस लापरवाही से उनका लाखों रुपए का नुकसान हो गया। हमारे लिए बहुत समस्या हो गई है। हमने 4 एकड़ धान अभी लगवाया था और हमारा बियाड़ भी डूब गया, धान भी डूब गया। हमारा 1 लाख का नुकसान अभी हो गया। लगभग 1.5 फुट पानी ऊपर और भी बाहर से पानी आकर ऊंचा हो गया। पानी 20 बीघा में 100 क्विंटल धान हो जाता तो 1.5 लाख का धान हो जाता, सब गायब हो गया। पूरा से सरजू नाला से आया है और बहुत से फसल बहुत से नुकसान हो गया है। धान के लगे थे और सब लगे थे फसल और सब नुकसान हो गया। तो कम से कम 100 बीघा से ऊपर नुकसान हो गया। बांधा था लोग का जो काट दिया होगा, रात में चालू किया होगा। अरे आज समस्या धान बैठा रहे सब बूढ़ गया, अभी बाढ़ से आवा भैया, बरसा हुआ नहर से यही मेरे के आवा है, सब गाँव बहेगा, सब देखो बूढ़ गया। अब लगभग 7 बीघा में यहाँ 25-25 हज़ार रुपया भर्ती लाग। अब पूरा बूढ़ी का जान लो, अब सड़ जाए भैया, करिहाँ भर पानी सुपर है, गटई भर लग चाहिए। हाँ, गांव में माइनर जगह जगह आजकल सिंचाई के लिए भी किसानों द्वारा सिंचाई के लिए काट दिया जाता है, सिंचाई करने में छोड़ दिया है, उसके कारण पानी बहुत जलमग्न हो जाता है। उसके लिए मैं संबंधित अवर अभियंता को कहा तत्काल वहाँ गेट बंद करके अगर कहीं नहर कटी है मरम्मत का कार्य कराया जाए, तुरंत बतवाया जाए। क्या मानते हैं सर, ये तो एक बड़ी लापरवाही है किसानों की फसल डूब नहीं, जगह जगह किसान द्वारा भी सिंचाई करने के लिए आजकल हमारे खेत में अपने आप अपने डायरेक्ट पानी पहुंचाने के लिए काट दिया जाता है, जिसके कौन सूचना नहीं मिलती है, जितना मिलने के बाद कौन आवश्यक कार्रवाई कर दी जाती है। जो किसानों का नुकसान है इसके लिए विभाग क्या करेगा? अगर किसान कहीं डायरेक्टली खुद अपने खेत में खोद भरने के लिए पानी काट देता है, फिर उसके बाद वो कट जाती है तो खुद जिम्मेवार है। गोंडा से रियाज खान की रिपोर्ट।